हेलो एवरीवन, आपने कभी ना कभी किंगडम न्यू लैंड्स गेम के बारे में जरूर सुना होगा कि इस गेम का PS4 के लिए नया वर्जन आने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में इसी गेम के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत दी, आप देख रहे हैं बात। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ दोस्तों, किंगडम न्यू लैंड्स गेम को बना है नो लो गेम्स ने, उसे रिलीज किया है रॉ फ्यूरी गेम्स ने। और गेम की रिलीज डेट की बात करें तो यह गेम 2015 में 15 अक्टूबर 2015 को पूरी दुनिया के लिए विंडोज पीसी और मैक ओएस एक्स पर रिलीज हो चुका है। आप इसे स्टीम पर जाकर डाउन कर सकते हैं। इसकी प्राइस 479 मतलब 480 रुपये है। आप इसे स्टीम पर जाकर डाउन कर सकते हैं। मगर यह गेम आज 16 जनवरी 2018 को पूरी दुनिया के लिए PS4 के लिए रिलीज होने जा रहा है। तो इसे PS4 जाकर भी खेलते हैं। ये 2D गेम है, जैसे एक माइनक्राफ्ट 3D गेम है, इसीलिए इसीलिए 2D गेम है। मैं आपको ये गेम रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ही खराब है। मगर आप इस गेम को पसंद आता है गेम, आप इस गेम को खरीद सकते हैं। और आप इस गेम को विंडो पीसी या मेक ओएस पर खेलना चाहते हैं, उसी स्टीम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। आप इसे मैं विंडो पीसी खेलना चाहते हो, आपके पास 1 GB स्टोरेज होनी चाहिए, 1 GB ग्राफिक, इसके अंदर 1 GB ग्राफिक कार्ड चाहिए, मगर इसके अंदर ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं है, और 1 GB रैम चाहिए। मतलब एक छोटे से बहुत छोटे प्रोसेसर के अंदर आप इस गेम को खेल सकते हैं, और वो भी ड्यूल कोर प्रोसेसर, इंटेल का ड्यूल कोर प्रोसेसर आप इस गेम को खेल सकते हैं। तो आपको ये गेम पसंद आता है तो आप इसकी स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्राइस 480 रुपये आप स्टीम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन।